कश्मीर कमेटी चेयरमैन शहरयार अफरीदी के आबाई हल्के कोहाट का दरीना मसला, गैस प्रेशर तहाल ना हो सका, नई पाइपलाइन बिछाने के बावजूद मसला जूं का तू पड़ा है। मजीद तफसीलात जानते हैं फरहाद अहमद बंगज की इस रिपोर्ट में। शहर कोहाट में गैस कंप्रेशर का मसला नए पाइपलाइनों के डालने के बाद भी हल ना हो सका, शहरी आज भी सरापा एहतजाज है। सर अभी तक तो कोई भी असर नहीं हुआ, गुज़िश्ते तकरीबन एक माह से ज्यादा हो गया है, इधर के सारे सड़के भी तबाह बर्बाद कर दिए हैं, और रोड भी खराब हो गए हैं, लेकिन गैस जूं का तू नहीं हुआ। इधर लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोग सुबह का नाश्ता तैयार नहीं कर सकते, ये लोड शेडिंग भी होती है और प्रेशर भी नहीं होता, पहले तो गैस होती ही नहीं है, अगर आ भी जाए तो ऐसी होती है जिस तरह एक मोमबत्ती लगी हुई। नए पाइपलाइन बिछाने के बाद इफ्तिताह भी हुए, तख्ती भी लगाई गई, मगर सिर्फ दिखलावे के लिए। हमारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि हमारे साथ गुड्डी गुड़े का खेल ना खेला जाए और हमारे मसाइल हल किए जाएँ। ये जो तख्ती लगा के खुद को शोमेंट करते हैं, इससे काम नहीं चलता। हमारे मसाइल जो भी मसाइल हैं, ये जो गैस लगा के जो पूरी सड़कें खराब की हुई हैं, इनको तामीर की जाए दोबारा, और जो गैस की प्रेशर कम होता है, सुबह के टाइम बच्चों का मसले होते हैं, स्कूल को जाते हैं। नहीं, मुझे तो कोई मसला हल नज़र नहीं आ रहा, वही गैस सुबह के वक्त भी बड़ी तकलीफ़ होती है, बच्चे स्कूलों को जाते हैं तो गैस नहीं होती, दोपहर के वक्त भी नहीं होती, ये तो बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। और नए पाइप डाले गए हैं, उनके लिए नए कनेक्शन हमें दिए जाएँ ताकि हमारी ये ज़रूरत गैस की पूरी हो सके। तरक्की पज़ीर रियासतों में आवामी मसाइल के हल के लिए फौरी एक्शन लिए जाते हैं, न कि नाम की तख्ती लगा के आवाम को मायूस किया जाए। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगा, चैनल 51, गोहाट।